लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रणाम भगवान। है वंशी क्षत्रिय वीर राजा कार्तवीर, तुम्हारी एक तपस्या अवश्य फलदायी सिद्ध होती, परंतु तपस्या के अंत में तुमने अधीर होकर तपस्या के फल को खंडित कर दिया। तो क्या मुझे तुम हमें इच्छित वरदान अवश्य प्राप्त करोगे? मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भगवान दत्तात्रेय, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अतुल शक्ति का वरदान प्रदान करें। मेरे भावों में सहस्र भावों का बल प्रकट हो। अपने अतुल बल तथा शक्ति से मैं हर इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकूं। तपस्या से प्राप्त वरदानी शक्ति का तुम दुरुपयोग तो नहीं करोगे कार्तवीर? हे भगवान, मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ, आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन अवश्य करूंगा। जो व्यक्ति मुझे चुनौती देगा, मैं उसे दंडित अवश्य करूंगा, अन्यथा मेरे सहस्र भावों के बल का क्या रहेगा? तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु इस बात का सदा स्मरण रहे कि न्याय पूर्वक बल प्रयोग अथवा किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाना तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन सकता है, अतः सावधान रहना। जो आज्ञा प्रभु। अब मेरे धैर्य की अधिक परीक्षा न लेकर मुझे वरदान प्रदान करें। कार्तवीर, तुम जन्म से क्षत्रिय अवश्य हो, किंतु तपस्या करना ब्राह्मणों का कर्म है। तुम जिनका कर्म कर रहे हो, उनसे धैर्य की शिक्षा भी प्राप्त करो, अन्यथा ब्राह्मण तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा प्रभु, हमें विश्वास है कि भविष्य में तुम हमारी दी हुई शिक्षा का पालन अवश्य करोगे। अवश्य प्रभु। तो हम तुम्हें वरदान प्रदान करते हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तथास्तु। सहस्त्र बहु प्रकट हो। अब इस पृथ्वी का कोई भी वीर या महावीर तुम्हारे बल को चुनौती नहीं दे सकता कार्तवीर सहस्त्र बहु। वरदानी नरेश सहस्त्र बहु कार्तवीर की, महिष्मति नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर की, क्षत्रिय कुल गौरव परम वीर सहस्त्रबाहु कार्तवीर की। मुझे विश्वास था कि मेरी प्रिय प्रजा मेरी वरदानी शक्ति के दर्शनों के लिए उत्सुक होगी। अवश्य महाराज, अवश्य। पिता श्रेष्ठ, हम सभी आपकी महान वरदानी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन के अति उत्सुक हैं। हम सभी उत्सुक हैं। अवश्य अवश्य प्रजाजनों, हम आप सभी को अपनी वरदानी शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य
अवश्य प्रदान करेंगे। मर्दानी नरेश, सहस्त्रबाहु कार्तवीर की। परम पूजनीय भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हो। सहस्त्रबाहु बल प्रकट हो। महिष्मती नरेश, महाबलशाली सहस्त्र बाहु कार्तवीर की। महिष्मती के सौभाग्यशाली प्रजाजनों, अब हम इस पृथ्वी के सर्वाधिक बलशाली पुरुष हैं। हमारी इस महान वरदानी शक्ति के समक्ष पृथ्वी के समस्त राजाओं को हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। जो कोई भी हमसे टकराने का दुस्साहस करेगा वो नष्ट कर दिया जाएगा। वरदानी महेश्मती नरेश, महाबलशाली सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की जय। 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 ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। हे माता कामधेनु, हमें यज्ञ के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता है। हे माता कामधेनु, नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। पिताश्री, धन कार्यों से हमें क्या प्राप्त होता है? तुमने उचित समय पे उचित प्रश्न किया है पुत्र। क्या तुम में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? पिताश्री, हमें धर्म कार्यों से सुख एवं शांति प्राप्त होती है। और सुब्रत, तुम? धर्म तथा धार्मिक कार्यों के द्वारा ही हमें ईश्वर प्राप्ति संभव हो सकती है। और तुम्हारा क्या उत्तर है पुत्र सुकेतु? धर्म तथा धार्मिक कार्यों से हमें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इन सबके अतिरिक्त पुत्रों, धर्म एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। यदि ईश्वर दर्शन की लालसा, सुख शांति संतुष्टि धैर्य सत्य व अहिंसा की भावना मनुष्य में ना रहे तो मनुष्य का जीवन पशु के ही समान है। इसी कारण धर्म तथा धार्मिक अनुष्ठानों में समय व्यतीत करना मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। अर्थात पिताश्री, जो मनुष्य कार्य नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। हाँ पुत्र, ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं जो जीव मात्र से प्रेम न करे, परोपकार की भावना मन में न रखे, मानवीय संबंधों की गरिमा न समझे। क्यों राम, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? समझ गया पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे नमः।
हे दयालु परम पिता, क्या कारण है कि मेरे पौत्रों को उनकी अखंड तपस्या का प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा है? हे सृष्टिकर्ता, इन बालकों पर दया करें, कृपा करें। अजर अमर भगवान शिव शंकर की जय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। चराचरपति भगवान शिव शंकर की जय। भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर सदा कृपालु रहे, किंतु आज जो निवेदन लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ, वो आपसे छिपाने मेरे तीनों पौत्र रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण बहुत समय से ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है, किंतु परमपिता अभी तक उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं। क्या एक तपस्वी की तपस्या के प्रति यह अन्याय नहीं? ब्रह्म ऋषि पुलस्ते, आप स्वयं ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, क्या अपने पिता तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पर आपका इस प्रकार आरोप लगाना उचित है? भोलेनाथ, तपस्वी को उसकी तपस्या का फल मिलना आवश्यक है। विधि का यह विधान स्वयं आपने ही निर्मित किया। ब्रह्म ऋषि, विधि के इस विधान में समय परिधि की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। यह एक तपस्वी की निष्ठा, एकाग्रता तथा तप के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि भगवान उससे कब प्रसन्न होते हैं। किंतु शिव शंकर, इससे पूर्व किसी तपस्वी के तप की इतनी कठिन परीक्षा नहीं ली। ये जानकर भी आपने ये अनुमान नहीं लगाया कि ब्रह्मदेव आपके पौत्रों पर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? क्षमा भोलेनाथ, ये अनुमान लगाना मेरी बुद्धि से परे है। जहां तक मैं जानता हूँ, ब्रह्मदेव ने कई तपस्वियों पर प्रसन्न होकर कृपा की, तब मेरे पौत्रों की उपेक्षा क्यों? ब्रह्म ऋषि पुलस्ते, उचित यही होगा कि आप अपनी शंका का समाधान स्वयं ब्रह्मदेव से करें। प्रभु, मैं आपका उपासक हूं, भोलेनाथ के द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौट। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव आपके पौत्रों को दैत्य माता केक्सी से उत्पन्न होने के कारण दैत्य ही मान रहे हैं। किंतु प्रभु, पुत्र का वर्ण तो पिता के कुल से निश्चित होता है। अवश्य, किंतु यहाँ पर वर्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि तपस्वियों का स्वभाव। अर्थात प्रभु, मैं अर्थात इस समय तपस्या में लीन ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के पौत्र वरदान से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे? इस बात का निश्चय उनके स्वभाव से ही निश्चित किया जा सकता है। मेरे पौत्र अति विनम्र, आज्ञाकारी तथा शिष्टाचारी है भोलेनाथ। आप मोहवश ऐसा कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि, हमसे उनका स्वभाव तथा भविष्य कुछ भी छिपा नहीं। संभवतः यही कारण है कि ब्रह्मदेव भी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या की अनदेखी कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि उनकी कठोर परीक्षा लिए बिना ब्रह्मदेव उन्हें वरदान नहीं देंगे। किंतु आप चिंतित न हो पुलस्त्य ऋषि, आपका पौत्र रावण एक असाधारण ब्राह्मण, महान वीर, विजय योद्धा तथा कीर्तिवान तपस्वी, वो आपके वंश को गौरवशाली बनाएगा। भोलेनाथ,
हमारा कुल सदा आपकी आराधना से गौरवशाली हुआ है। आप कृपया उसे अपनी कृपा प्रदान करें। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात रावण अपने साहस का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पृथ्वी के सातों द्वीपों का अधिपति बन जाएगा। तब परिस्थितियां स्वयं उसे हमारी शरण में ले आएंगी। भोलेनाथ, आप अत्यंत दयालु तथा अपने भक्तों पर महान कृपा करने वाले हैं। जय शिव शंकर।